ये रही जिसको हम ढूंढ रहे हैं। आज ना राम प्यारे की बहुत ज्यादा याद आ रही, 3 बार टैंकी फुल कराता अपनी, कॉपीराइट आ सकता है। अभी सीन ऐसा है कि मैं गांधी आश्रम नहीं जा रहा बिकॉज ऑफ टाइम नहीं बचा उतना, क्योंकि अपना लेट हो गया हूँ और ट्रेन छूट जाएगी अगर मैं गांधी आश्रम जाऊँ। तो मैंने सोचा है कि रेलवे स्टेशन के आसपास जो एक दो जगह है मैं वहाँ चला जाऊँगा। तो अभी आया हूँ मैं रॉक गार्डन के पास को घूमने, बट अभी क्या है गला सूख गया काफी, तो सोचा जूस पी लूँ, तो अभी यहाँ से जूस पियेंगे उसके बाद आगे चलते हैं। क्या क्रिएटिविटी है दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ से दिख रहा है ये बेसिकली नल का जो है इन द एयर लगातार फाउंटेन इसमें चालू है, क्रिएटिविटी लेवल अच्छा है। Hey guys, so, आज ना राम प्यारी की बहुत ज्यादा याद आ रही है, बताता हूँ। जस्ट बिकॉज ऑफ राम प्यारी होती तो मैं कल से और अभी तक के बीच में आधे से ज्यादा अहमदाबाद घूम चुका होता, नियर बाय अहमदाबाद में जितना होता मैं उतना तो घूम चुका होता। बट ड्यू टू राम प्यारी ना होने के कारण यहाँ ऑटो का भाड़ा इतना तेज है, क्या बोलूं। इस हिसाब से मैं आपको एक कैलकुलेशन देता हूँ, मैं अपनी बाइक में जितनी टैंकी फुल कराता हूँ, 11 लीटर की टैंकी, 3 बार टैंकी फुल कराता अपनी, उतना मैं भाड़ा दे चुका हूँ यहाँ पे, समझ रहे हो, इतना तेज भाड़ा है यहाँ का। इतने में तो मैं जयपुर का ट्रिप करके आ जाता जितना मेरा किराया यहाँ लग गया है। अगर भाड़ा घटा दें तो यस, अहमदाबाद बहुत अच्छी सिटी है, मस्ट आना बनता है, और एक बार मैं फिर आऊंगा, बट उस टाइम पे बाइक हायर कर लूंगा, नहीं तो अपनी राम प्यारी में लेके आऊंगा बाय रोड, बट ऑटो में सफर नहीं करूंगा मैं जल्दी। बट ठीक है, बाकी सब बढ़िया है, याद अपन निकलेंगे होटल, बैग पिक करेंगे और अब आ गया हूँ मैं कांकड़िया लेक। बहुत देर की मेहनत के बाद मैंने बहुत सोचा, पहले हुलिया देख लो मेरा, एक बैग आगे एक बैग पीछे, क्योंकि मैंने सोचा यार बार बार वहाँ होटल जाना मेरे को सही नहीं लगा, तो मैंने सोचा होटल चला जाता हूँ, पहले अपना बैग ही पिक कर लेता हूँ। रॉक गार्डन बंद था और 2 बजे तक मैंने वेट करा, बट कुछ हो नहीं पाया, तो अभी बज रहे हैं 3 और अपनी ट्रेन है 5 बजे की, तो मैंने सोचा क्यों ना जाके पहले होटल से बैग ही ले लूं अपना, उसके बाद होटल से बैग लेके मैंने सोचा रॉक गार्डन जाके क्या करूंगा। और उसमें सिर्फ मैंने पता करा तो कह रहे भैया नॉर्मल जॉगिंग टाइप का है जो अपने दिल्ली में मेरे घर के पास बतेरे हैं, तो इसलिए मैंने वहां रुकना सही नहीं समझा। और फिर अपने होटल वाले से पूछा मैं, तो उसने बताया कि सर आप ऐसा करो कांकड़िया लेक चले जाओ, कांकड़िया लेक के बगल में ही है आपका रेलवे स्टेशन, आप रेलवे स्टेशन चले जाना, वहां से आपको पास पड़ेगा। अब चलो घूमते हैं, और अभी तक तो देखने में अच्छा लग रहा है, मेरे को भी नजारा अच्छा लग रहा है, बाकी चलते हैं। म्यूजिक बहुत गंदा चल रहा है, कॉपीराइट आ सकता है। मैं यहाँ पे अभी ढूंढ रहा हूँ बोट, वो वाली नहीं जिसमें 4-5 बंदे जाते हैं, मैं सिंगल वाली ढूंढ रहा हूँ, जेट सी कह रहे हैं कि उस तरफ है, दूसरी तरफ अगर वहां जाओगे तो आपको मिल सकता है, तो मैंने वाला ट्राई करने का मजा तो उसी को है। पैसेंजर में क्या करना है, पैसेंजर में बहुत घूम लिए, इस बार अकेले चलानी है, बट वो कह रहे हैं कि चलानी नहीं देंगे आपको, आपको पीछे बैठना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, उतना ही सही, पर मन है जाके देखता हूँ, सांस चढ़ गई यार इसको लेके घूमने में, होटल में था अच्छा था ये, बट कोई नहीं चलो चलते हैं। और यस यहाँ पे थोड़ी धूप है, बट अब धीरे धीरे वेदर ठीक होता जा रहा है, मजा आएगा, बट वहाँ पे वो चालू होनी चाहिए वरना हालत और खराब हो जाएगी। ये रही जिसको हम ढूंढ रहे हैं, अब बस ये देखना है इसकी राइड मिलती है कि नहीं मिलती। तो गाइस जेट्स की तो मिल गई है, बट एक प्रॉब्लम हो गई है, हम कैमरा वैमरा कुछ लेके नहीं जा सकते, तो इसलिए मैं उस पर शूट नहीं कर पाऊंगा, बट एंजॉय करूंगा। भाई से बात करी है मैंने, अगर ये वीडियो शूट कर देगा हमारी तो ठीक है, नहीं तो बस मैं एंजॉय करूंगा, भावनाओं में चले जाना बस।
एक चीज है, पूरे अहमदाबाद के ट्रिप में सबसे बढ़िया मजा आया मुझे जेट स्की में। राइड हालांकि बहुत छोटी थी, सिर्फ अगर मैं दिखाऊं सिर्फ इतने में, इतने एरिया में घुमा के वापस ले आए थे मुझे, बट ठीक है मजा आया, काफी मजा आया। पहली बार ट्राई करा मैंने लाइफ में और आई लव इट, दोबारा मन कर रहा था मेरा जाने का। बाकी सब बढ़िया है, चलते हैं खाना खाएंगे। गाइस अब मैं निकल चुका हूँ मार्केट की तरफ, लाल दरवाजा मार्केट। मैं सब कुछ घूम लिया है, एक ये भी बचा है, ये भी घूम ही लेता हूँ। ट्रेन थोड़ा सा डिले है, ट्रेन है 5:30 की, तो अपने पास अभी टाइम है, तो मैं लाल दरवाजा भी घूम ही लेता हूँ। गाइज मैं पहुंच चुका हूं लाल दरवाजा मार्केट के अंदर। इसको मैं वैसे बताऊं, अगर आप लोगों ने भी वीडियो देखी होगी थोड़ी बहुत लाल दरवाजा मार्केट की, तो आपको समझ आ गया होगा। बेसिकली लाल दरवाजा मार्केट जो है एक लोकल मार्केट है अहमदाबाद के लिए, और अगर आप कंपेयर करना चाहो तो एज अ सीपी से कंपेयर कर सकते हो, सीपी मार्केट से जो पहले लगा करती थी, इनर सर्कल के बाहर जो लगा करती थी। वैसे जो आपको ये दिख रहा है ना दरवाजा, इसका नाम है लाल दरवाजा। और इधर जो ये तीन दिख रहे हैं ना, ये तीन दरवाजे। तो गाइस ऐसा है, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ क्योंकि रश बहुत ज्यादा है और मार्केट बहुत बड़ी भी है, तो ज्यादा मैं घूम नहीं सकता और अपना टाइम भी हो गया है। तो हम निकल रहे हैं अब रेलवे स्टेशन की तरफ, और मैं मिलता हूँ डायरेक्ट आपको अब रेलवे स्टेशन पे। गाइस तो सीट मिल चुकी है, काफी थक गया हूँ और अभी ट्रेन को चलने में मैक्सिमम 1.25 घंटा है। मैं 5 बजे ट्रेन रेलवे स्टेशन पहुंच चुका हूँ, और ये इतना बैग इतना मेरा हैवी था ना, उसको लेके चलना बहुत मुश्किल हो गया मेरे लिए, बट ठीक है ऐसे तैसे कैसे पैसे मैं पहुंच चुका हूँ। दिल्ली वापस अपने घर, अपने होम टाउन, बस रास्ते में हूँ, पहुंचने वाला हूँ। एंड आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। बाकी मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, एज यूजुअल अपने साथ वालों को रखिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।